बुरहानपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा सामने आई है। जहां बच्चों के हाथों में कॉपी किताब और पेन होना चाहिए, वहां उन्हें झाड़ू थमा दी गई है। इस स्थिति पर सवाल उठता है कि ऐसे में नौनिहाल कैसे आगे बढ़ेंगे और शिक्षा में कैसे प्रगति करेंगे। मामला बुरहानपुर के भावसा ग्राम स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ MKN न्यूज की टीम जब पहुंची स्कूल में तो वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला था। कक्षाओं में शिक्षक नदारद थे, जबकि स्कूल का समय सुबह 11:30 का हो चुका था। बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई के बजाय झाड़ू लगाते और कचरा बीनते नजर आए। कुछ बच्चे जूते चप्पल उठाते हुए भी दिखे। यह हाल उस जगह का है जहां माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की उम्मीद के साथ भेजते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के हाथों में कॉपी किताब की जगह झाड़ू थमा दी जा रही है। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। आखिर कब तक ये बच्चे इस तरह का शोषण का शिकार होते रहेंगे? इस लापरवाही से नौनिहालों का भविष्य और देश की प्रगति दोनों खतरे में है। क्योंकि ये मामला भी संज्ञान में आया है, तो एक उचित माध्यम से उसकी जांच कराएंगे कि क्या स्थिति है, और जानबूझ के शिक्षक द्वारा ऐसा करते किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। नहीं, अगर बच्चों से कोई इंटेंशनली कराया जा रहा है तो उचित नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि एक सूक्ष्म जांच हो जाएगी। वहां पहुंचने पर ही मौके पर पहुंचकर सही स्थिति का पता चल जाएगा। वैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ हो सकता है, बच्चे स्वयं ही प्रेरित होकर कार्य कर रहे हो, या जो भी जांच में पता चल जाएगा कि सही स्थिति क्या है।